कि नीम साकिन के बाद बा आ जाती है, या नून साकिन के बाद बा आ जाती है, तो नीम और नून का मखरज करीब करीब, वहां नीम के बाद होंठों में इख्फा है, यानी उस मीम को होंठों में निहायत नरमी के साथ अदा करते हैं कि ना तो पूरे तौर पर होंठ मिल जाए, जैसे या तो सीम बिल्ला, अगर आप इसको मीम को मुकम्मल अदा करेंगे या तो सीम बिल्ला तो ये मीम बा में चला जाएगा, इसलिए या तो सिम होठों को नरमी से रखना है, या तो सिम बिल्ला बिल्कुल मिलाना नहीं चाहिए, बिल्कुल मिलाना नहीं, या तो सिम बिल्ला, या तो सिम बिल्ला, वो बा बन गया, नीम खत्म हो गया, जब आपने उसको होठों को मिला के और बा अदा की तो बा के मखरज में आप चले गए, नीम की अदायगी हुई नहीं। नून साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो नून साकिन को नीम से बदलेंगे, क्योंकि नून साकिन के बाद बा आई तो क्योंकि बा का नून से बोध है अन बी, तो अन से बी बा पर आना बड़ी है, तो नून को नीम से बदलते हैं अन बी, और वहाँ भी ये इख्फा शफवी करेंगे और ये लोग जो मिस्री हैं ये उसमें कहते हैं कि फुर्जा बैन शफतैन होना चाहिए, अबी ऊनी में इख्फा हुए नहीं, इख्फा शफवी था, इकलाब माल इख्फा किताबों में लिखा है, इकलाब माल इख्फा, इकलाब किस चीज़ का, नून का मीम से, नून का मीम से, अगर आपने फुर्जा रखा तो अन रहा तो इकलाब तो हुआ नहीं, और इकलाब नहीं हुआ, इख्फा नहीं हुआ, शफवी इख्फा नहीं हुआ, एक इख्फा है नाक में आवाज़ को लेकर, एक इख्फा है शफतैन में, अनबिऊनी अनबअका हाज़ा من بعد سميع بصير, ये तमीम का इख्फा, तमीम के बाद बा आएगी तब भी वही इख्फा शफवी होगा, हर जगह में थोड़ा ज्यादा जोड़ेंगे, ज्यादा सख्ती से नहीं लगाएंगे, हाँ।